फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द दीपिकास किचन में। आज हम बनाएंगे बिना मावे से बनने वाले गुलाब जामुन। देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसे देखने में, बिल्कुल रसीले हैं और बहुत ही सॉफ्ट, और ये बिल्कुल कम सामान के साथ घर पर बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। तो आइए हम मिलकर बनाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर ये आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलकर बनाते हैं बेहतरीन गुलाब जामुन। सबसे पहले हम गैस की फ्लेम ऑन कर लेंगे और कढ़ाई चढ़ा लेंगे और इसमें हम एक चम्मच देसी घी डालेंगे। देखिए घी मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें ये जो दूध पाउडर हमने लिया है इसे हम डाल देंगे और उसके बाद हम ये दूध को इसमें ऐड कर लेंगे। फ्रेश क्रीम के साथ लेंगे ये दूध और इसे तब तक चलाना है जब तक कि ये अच्छी तरह से बिल्कुल हलवे की तरह ना बन जाए और ये कढ़ाई पूरी तरह से छोड़ देगा, तब तक हम इसे चला लेंगे। और लगातार चलाते रहना है फ्रेंड्स हमें यहाँ पर इसे, ताकि बिल्कुल इसमें कोई लम्स ना रहे और ये पूरी तरह से कढ़ाई से अलग हो जाए, तब तक हम इसे अच्छी तरह से चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह का बन जा रहा है हमारा दूध पाउडर जो हमने बनाया है। ये पूरी तरह से अभी तक पका नहीं है लेकिन ये किनारे छोड़ दे रहा है कढ़ाई का। अभी लगभग 5 से 10 मिनट इसे हमें और इसी तरह से पकाना है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल मावे की तरह बन करके तैयार है, बिना कोई लम्स नहीं है इसमें और ये बिल्कुल ठंडा होने देंगे अब हम इसे, उसके बाद हम इसके गुलाब जामुन बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा मैदा हम इसे इसमें ऐड नहीं करेंगे और अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। मैंने ये डो तैयार कर लिया है, ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है और बहुत नरम भी नहीं है और अब हम इससे लोइयां बनाएंगे गुलाब जामुन के। तो आपको जिस साइज़ के गुलाब जामुन पसंद है आप उस साइज़ के लोइयां बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के लोइयां हम गुलाब जामुन के तैयार कर लेंगे और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि इसमें किसी तरह के दरार ना हो, अगर दरार होगा तो वो गुलाब जामुन फट जाएगा। बिना दरार के हम सारी लोइयां तैयार कर लेंगे। सारी लोइयां मैंने गुलाब जामुन की तैयार कर ली है और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने गैस के फ्लेम पे तेल चढ़ा लिया है कढ़ाई में और तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, लो टू मीडियम ही रखना है यहाँ हमें फ्लेम, और उसके बाद हम अपने सारे गुलाब जामुन इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इस स्टेज पे हम गैस की फ्लेम को हाई करेंगे। बहुत सुंदर सा गोल्डन कलर आने तक हमें इसे तलना है। देखिए कितना सुंदर कलर आ गया गुलाब जामुन का और अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम गुलाब जामुनों को निकाल लेंगे, इस तरह का कलर आ जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम एक अलग से पैन गैस पे चढ़ाएंगे और ये शक्कर, ये जो शक्कर हमने एक कटोरी लिया था इसे हम डाल देंगे। जितना शक्कर है फ्रेंड्स जस्ट उसका आधा कटोरी हम पानी डालेंगे। हम शक्कर और ये पानी का एक चाशनी बना लेंगे और अब हम इसमें, चाशनी बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। अब इसमें इस तरह के कुटी हुई इलायची डाल देंगे और ये थोड़ा सा सैफ्रन, इसे भी हम डाल देंगे। अब गैस की फ्लेम को हम हाई करेंगे और चाशनी में उबाल आने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, चाशनी बन करके तैयार है, ये बॉयल आ गया है इसमें और बहुत सुंदर कलर भी आया है क्योंकि हमने इसमें केसर ऐड किया है, खुशबू के लिए इलायची डाला है और अब हम इसमें गुलाब जामुन डाल देंगे। सारे गुलाब जामुन हम इसमें डाल देंगे इस तरह से उबलती हुई चाशनी में और लगभग 1 मिनट तक इसे हम बॉयल करेंगे। फिर इस तरह से 1 मिनट तक हम इसे बॉईल करेंगे। देखिए अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है ये 1 से 2 मिनट लगभग और कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। अब लगभग हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर, गैस की फ्लेम बंद करके ढककर रखेंगे। इस तरह से एक प्लेट से हम इसे ढक देंगे
और लगभग 10 से 15 मिनट बाद हम इसे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे ढक्कन को हटाकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल फूल गए हैं, फूल के बिल्कुल इसके अंदर रस चले गए हैं। बन करके तैयार है स्वादिष्ट, मुलायम और बहुत ही रसीले गुलाब जामुन, जो मात्र दो सामान के साथ हम घर पर झटपट तैयार कर लिए। आपको जब मन हो कुछ मीठा खाने का या हमारे घर पर गेस्ट आ जाए, आप कभी भी ये गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बिना मावा और बहुत ही स्वादिष्ट गुलाब जामुन। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।